Welcome again in our class biology. Let's start today's topics. In 10th, 6th chapter, science is the life process chapter. You know, what is life, what is living organisms, what is metabolism? ये सारी चीजें इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट्स है. मैं ये कहूं कि बेसिकली which organism called living organism, so some characteristic features requires to be living organisms here. These characteristic features are reproduction, growth and development, responsiveness and metabolism, along with nutrition, respiration, transportation and excretions. These are all essential characteristic features to be a living organisms, to be a life survive, right? तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है. बट बेसिकली एक बार अपन थॉरली देखें, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू बिल्ड सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, राइट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना, बेसिकली सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम बनना. रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी गिवन स्टिमुलाई. And metabolism, the sum of all chemical reactions which are considered or conducted in a living organisms for the life survive, right? ये सभी हमें इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना है. 10th का जो सिलेबस हमें बता रहा है उसके अंदर हमें ये चार चीजें पढ़नी है. बट हमारा जो चैप्टर का नियम है लाइफ प्रोसेस, some basic activities means process. Some basic process are required for the life of living organisms. The basic processes in living organisms for their lives. For their lives, some basic processes are very required. These are the basic process. First of all, nutrition. The taking of food by living organisms for energy, growth, repairing of the food, right? Body. So body ke repairing, growth, energy. इन सभी के लिए जरूरी जो बेसिकली है वो फूड है. उस टेकिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं. बेसिकली प्लांट्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है और एनिमल्स में डाइजेशन के थ्रू होता है. रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ O2 फॉर एनर्जी. दिस प्रोसेस हम जनरली इसके लिए की पॉइंट यूज कर सकते हैं बाय गैसेस एक्सचेंज, O2 लेना और CO2 छोड़ना. ये प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर. ये प्रोसेस हो रहा है लीव्स और स्टोमेटा के थ्रू उनकी बॉडी में. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है. ट्रांसपोर्टेशन, द की पॉइंट इज सप्लाई, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? फूड, O2, H2O बेस्ड प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम द वन बॉडी पास टू द अदर, राइट. इन अ पर्टिकुलर प्लांट्स it is very simple process. Xylem and phloem are considered as the component of this process. And in animals, this process is conducted by the transportation system, by the circulatory system. Circulatory system means blood, body fluid, heart and blood vessels. These all are the components of transportation system. The excretion means removal. Remove करना, किसको remove करना? Waste products. जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेसिकली उन सभी को बॉडी से बाहर निकालने के इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. इन प्लांट्स दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बट इन एनिमल्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट सिंपल. सो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉट सिंपल, देयर इज अ नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, टू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंड देयर प्रोसेस, राइट. तो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वायर्स फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि न्यूट्रिशन प्रोसेस कर रहा है तो उसमें फूड ऑब्टेन कर रहा है. सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड फॉर वॉट? फॉर build the body, body बनाने के लिए, for the growth and development, for the damage and damage of the repairing and the energy production. These all aspects be completed by the nutrition method, right?
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तरफ आप देखते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन गेन करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. सेकेंड हिटरोट्रॉपिक, सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म एनी फोटोसिंथेसिस, कांट परफॉर्म एनी केमिकल रिएक्शन फॉर सो फॉर देयर न्यूट्रिशन दे डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. तो बेसिकली इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूटोट्रॉपिक्स, एटोट्रॉपिक्स और हिटरोट्रॉपिक्स इसके अंदर हुआ है. ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स प्रिपेयर द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अचीव करते हैं, लेते हैं. ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? CO2, H2O, H2S, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया, दोज आर नॉन ग्रीन, राइट. ग्रीन प्लांट्स कैन कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस, एज वी नो कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर ग्रीन, दे हैव इन क्लोरोफिल, दे कैन एब्जॉर्ब सनलाइट and during this process they manufacture the glucose and by product they evolve oxygen, right. But in a green bacteria they can perform photosynthesis, they absorb sunlight also, they are having a specific types of pigments also, but in place of H2O they absorb H2S, CO2 H2S combined to manufacture glucose, but byproduct is not oxygen here, that is sulfur. So this is the star point. Star point is green bacteria mein hone wala photosynthesis, isme oxygen nikalta hai, isliye is tarah ke photosynthesis ko oxygenic photosynthesis kehte hain. What call this? Oxygenic photosynthesis. So green plants में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक होता है, बट ग्रीन बैक्टीरिया इज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट दे डज नॉट इवोल्व ऑक्सीजन, दे इवोल्व सल्फोरिया. सो देयर फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, राइट. इन अदर पार्ट अदर बैक्टीरिया आल्सो कैन परफॉर्म देयर केमिकल रिएक्शंस. The bacteria involved in the nitrogen cycles, they convert protein into ammonia. This process called ammonification, and the such microorganisms or bacteria called ammonificative microorganisms or bacteria. Some of bacteria can perform to convert the ammonia into nitrate and nitrite. Then nitrate and nitrite also can be converted into free nitrogen gas because of some denitrifying बैक्टीरिया या अमोनिफिकेटिंग बैक्टीरिया. यहाँ पर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज आर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइट. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सच बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स आर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जो केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई फॉर देयर प्रिडिशन और देयर न्यूट्रिशन दे डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो प्लांट्स पर डिपेंड करता है. यहां पर एक चीज क्लियर कर लें, जो बेसिकली अपने फीडिंग के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं बेसिकली उनको कार्निवोर्स कहते हैं. जब आगे हम पढ़ेंगे 15 में अवर एनवायरमेंट में, तब ये बात और डिटेल करेंगे अपन. सो हेटरोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस पर डिपेंड करते हैं अपने फीडिंग के लिए. एग्जाम्पल्स आर ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स में आ गया आपके नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स बोथ ऑफ, एंड फंगी, फंगी मीन्स ए स्पेसिफिक मशरूम एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, दोज आर वेरी रिलेटिव, दोज आर वेरी रेस्पॉन्सिव फॉर टू जनरेट दैट वेरियस काइंड ऑफ डिजीज इन वेरियस एनिमल्स, राइट. तो सैप्रोफिटिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट थ्री एस्पेक्ट, थ्री एरास. सैप्रोफिटिक द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द
न्यूट्रिशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े हुए गले हुए सड़े और गले हुए ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोजिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं सभी तरह के फंगस। और बेसिकली स्पेशली हम जब चारों तरफ देखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल आता है सबसे बेस्ट मशरूम। कचरे के ढेर पर ही उग जाते हैं और उसमें मौजूद जो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका डिकम्पोजिशन के थ्रू ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपले फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द पर्टिकुलर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां पर डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे अपना पेन कर रहे हैं फूड विदाउट किलिंग देम। बट ये भी ध्यान रखना है कि उनको वो मारते नहीं है। बेसिकली जिस बॉडी के अंदर ये पैरासाइट जाते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, जो बॉडी से अपना प्रॉफिट लेता है उसे पैरासाइट कहते हैं, और इस तरह के रिलेशनशिप को पैरासाइटिज्म कहते हैं। और सच काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ऑफ कस्कुटा, कस्कुटा एक तरह की बेल होती है जो अदर प्लांट्स पर रह करके पूरी तरह से उसको मैलन्यूट्रिशन क्रिएट कर देती है, बट उसको विदाउट एनी किलिंग दैट, राइट। टैपवॉर्म इज अ पैरासाइट इन अवर बॉडी इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, दे गेन फूड दे गेन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अवर बॉडी गिविंग अस वेरियस काइंड ऑफ डिजीज। टैपवॉर्म टीनियसिस डिजीज ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में क्रिएट होता है। हॉलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड डायरेक्ट और डायरेक्टली दे एब्जॉर्ब डायरेक्टली फूड एंड जनरली यूज टू डाइजेस्ट देम ब्रेक डाउन इनटू कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंस एंड आफ्टर द डाइजेशन दे जनरली यूज टू एब्जॉर्ब देम, राइट। एक तरह से कहा जाए तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली फूड को अंदर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद मिक्सअप होता है फॉर द वेरियस एस्पेक्ट, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर रिमूव। फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट के अंदर होने वाले प्रोसेस में ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। देखें फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड मींस ग्लूकोज। रॉ मटेरियल्स के लिए रिक्वायर्ड है H2O फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड पोजिशंस, CO2 फ्रॉम एयर, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड फोटो पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लीव्स और ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है फोटोनिक एनर्जी है, कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? ग्रीन प्लांट के अंदर ग्रीन पोर्शन कौन सा है? लीव्स, और लीव्स के अंदर वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और अंडरग्राउंड से H2O। तो ये रॉ मटेरियल्स बेसिकली यहां पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कार्बन फिक्सेशन की वजह से बाय प्रोडक्ट बेसिकली बनता है ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, राइट। इस केमिकल इक्वेशंस को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 बैलेंस कर लें इनको साथ के साथ, 6 CO2 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 6 O2 एंड आल्सो बाय प्रोडक्ट H2O दिस इज 6। तो दिस इज द कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट अ फाइनल केमिकल इक्वेशन। इसलिए जब भी प्रोसेस की बात करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर अपन ये केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सनलाइट एंड फोटो पिगमेंट दीज आर द मेन रिक्वायर्ड पोर्शंस, राइट। ग्रीन लीव्स हैव अ स्पेसिफिक पोर्शन दैट कॉल स्टोमेटा इन विच द स्टोमेटल पोर्स आर सराउंडेड by a pair of guard cells. These are very large cells
having very large amount of and big amount of chloroplast, chlorophyll, और basically dark cells की जो inner wall होती है वो basically thick होती है और outer wall होती है वो thin होती है. इसके surrounding जो cells होती है उन्हें accessory cells कहते हैं. Basically stomata are the portion where through a green plant can exchange the gases and also loss of water from the surface of stomata. Opening and closing of stomata कौन डिसाइड करेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल डिसाइड करती है. गार्ड सेल जब श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. जब ये टर्जिट फॉर्म में होते हैं, फूले भी पोजीशन में होते हैं, ऐसी पोजीशन के अंदर ये स्टोमेटा ओपन होते हैं. जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वॉटर अंदर जाता है तो ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं. जब गार्ड सेल से वॉटर का लॉस हो जाता है, इफ गार्ड सेल लॉस वॉटर, इस कंडीशन के अंदर स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. तो ओपन होने के लिए गार्ड सेल्स के अंदर वाटर होना जरूरी है जो डे टाइम में रहता है, और नाइट टाइम के अंदर गार्ड सेल्स है वाटर लॉस कर देती है. श्रिंक पोजीशन के अंदर है वो गार्ड सेल्स, बेसिकली श्रिंकिंग हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. फिर भी डिफ्यूजन के थ्रू नाइट में भी गैस का एक्सचेंज होता है. बेसिकली इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स आ गए. प्रोसेस की बात करें उससे पहले हम बात करें द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल व्हिच फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल्स. इट सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंड करता है. इस डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के इन बिटवीन एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस. इंट्रा मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है या पेरी प्लास्टिडियल जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शन होती है. वेरी लार्ज सीक्वेंस और वेरी कॉलम्स यहां मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रैनम कहते हैं. ग्रैनम में सेटेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कॉल्ड थैलाकॉइड, एंड थैलाकॉइड आर फिल्ड विद द फोटो पिगमेंट्स, वेरियस फोटो पिगमेंट्स. वेरियस फोटो पिगमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल. इसके अलावा अदर पिगमेंट्स आर आल्सो सपोर्टिंग इन अ फोटोसिंथेसिस टू कंडक्ट द फोटोसिंथेसिस. राइट, ग्रैनम्स को कनेक्ट करने वाले इनके केमिकल कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए लैमिलीज होते हैं. लैमिलीज ग्रीन नहीं होते, इनमें पिगमेंट्स नहीं होते. जो इनके अंदर लिक्विड कोलाइडल पोर्शन होता है लिक्विड फॉर्म, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा. एंड स्ट्रोमा में एक सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है जो स्पेसिफिकली देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होगा. अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की. फोटोसिंथेसिस, आइडियल फोटोसिंथेसिस है कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट थ्री स्टेप्स. फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. राइट, सेकेंड कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इंटू केमिकल रिएक्शन. जो सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्सॉर्ब करी है वो H2O का ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज की जाएगी. जो H2O का ब्रेक डाउन करने में यूटिलाइज की जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनती है. इस प्रोसेस को कन्वर्जन के इस प्रोसेस में जिसमें वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए उसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस इज अ वॉटर एब्सॉर्ब जो एनर्जी क्लोरोफिल कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है. रिडक्शन, रिडक्शन ऑल्सो नॉन एज अ कार्बन फिक्सेशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स बाय यूजिंग द H+ आयन. ये रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब H+ आयन यहाँ कंज्यूम करता है तो रिडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म से, कार्बन इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स प्रोसेस फॉर रिडक्शन इन एनिमल्स. इससे पहले अपन ने बात करी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. बिकॉज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच कंसिस्ट ऑफ फाइव डिफरेंट स्टेप्स, स्टेप फॉर द न्यूट्रिशन. फर्स्ट इंजेशन, एंगल्फिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू कन्वर्ट इंटू सिंपलियर फॉर्म, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन, सप्लाई ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द सेल्स ऑफ बॉडी, एंड इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी.
न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनम्स है। बावजूद इसके यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनम्स के अंदर सारे के सारे मैकेनिज्म न्यूट्रिशन वाले एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनम्स और एनिमल्स के सिमिलर होते हैं, इसलिए हम अमीबा को एसेलुलर लिविंग ऑर्गेनम्स भी कहते हैं। बिकॉज इसके अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेस बेसिकली कंडक्ट होते हैं एज सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं पांच स्टेप्स के अंदर यहां पे भी न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर होता है। फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय सूडोपोडिया बाय मेकिंग ऑफ फूड कप। फूड कप जब बन जाता है तो फूड वैक्यूल बन जाती है, उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला जाता है और इसमें इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन और एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। इस फूड वैक्यूल के चारों तरफ क्या इकट्ठे हो जाते हैं, लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स, जिनको 9th क्लास में पढ़ा है आपने, तो सुसाइडल बैग्स कैसे क्रिएट करते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम्स यहां सिक्रीट होते हैं वो फूड वैक्यूल्स में फूड का डाइजेशन कर देते हैं, उनका ब्रेकडाउन कर देते हैं। इसके बाद इस फूड वैक्यूल का चारों तरफ से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और उस डिफ्यूजन की वजह से बेसिकली डाइजेस्टेड फूड अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये अमीबा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से बॉडी से बाहर निकाल देती है, दैट्स कॉल्ड इजेशन। सो दिस इज द सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड बट इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर्स, दैट इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। मीन्स डाइजेशन सिस्टम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ह्यूमन, नॉट ओनली ह्यूमन, द ऑल लिविंग ऑर्गन्स और एनिमल्स, दोज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, देयर इज अ नीड टू हैव देम अ वेरी डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर, और ये ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर किन किन पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करती है, माउथ से लेकर के एनस तक का। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग में इसकी लेंथ 6 से लेकर 10 मीटर तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी फूड नेचर और उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होती है सलाइवा रिलीज करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक में होती है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, पैंक्रियास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस विच इज एग्जिस्टेड इन अ यू कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है जिसमें किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता है, बट इट्स अ हेल्प इन अ डाइजेशन प्रोसेस गिविंग अ वेरी अल्कलाइन मीडियम टू द फूड। इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस, हियर शोइंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग, राइट। इट्स स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओपन इन बक्कल कैविटी, द लास्ट पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी कॉल्ड फेरिंग्स, वेयर इसोफेगस ओपन्स, द स्टार्टिंग एंड ऑफ इसोफेगस दैट इज कॉल्ड गलैट, दैट इज कॉल्ड गलैट। इसोफेगस ओपन्स इन स्टोमक, दिस इज वेरी वाइडेस्ट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज दिस पार्ट, वेरी स्मॉल एंड नैरो कैविटी पोर्शन होता है, नैरो इसका लुमन होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, डुओडिनम अटैच टू द स्टोमक, जेजुनम दिस इज वेरी नैरो प्रोसेस, एंड इलियम दैट्स कनेक्ट टू द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शंस। लार्ज इंटेस्टाइनल पोर्शन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम अपेंडिक्स, सीकम एंड अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज दिस इज द पोर्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलोज डाइजेशन इन सेलुलोज। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज अकर्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कैटल्स जिन्हें ल्यूमिनेट कहते हैं, जिनके अंदर सेलुलोज का फूड कंपोनेंट होता है। तो सेलुलोज के फूड कंपोनेंट के लिए एलिमेंट्री कैनाल का ये पोर्शन सेलुलोज का डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करता है, बट ह्यूमन बीइंग डस्ट नो जनरली ईट सेलुलोज, सेलुलोज नहीं खाता है, इस वजह से उसके अंदर डाइजेशन नहीं होता। इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के इस पोर्शन के अंदर ये सीकम और अपेंडिक्स वाला पोर्शन है तो सही, बट इन नॉट इन अ वर्किंग फॉर्म। दिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन्स इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, राइट।
सो स्मॉल इंटेस्टाइन से बात ओपन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन. इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि इसका वाइडर ल्यूमन है, वाइडर बिकॉज ऑफ द वाइडर ल्यूमन ऑफ दिस इंटेस्टाइन, दैट्स इट कॉल लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन तीन पोर्शन में डिवाइड है, सिकम अपेंडिक्स जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, कॉलन दिस इज वाइडर पोर्शन, इस वाइडर पोर्शन में ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग और ये ट्रांसफर. यानी कॉलन के तीन पोर्शन हो गया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन एंड डेसेंडिंग कॉलन. और डेसेंडिंग कॉलन यहां पर रेक्टम वाले बैगलाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जहां पर अंडाइजेस्ट फूड को कुछ टाइम के लिए वॉलेंट्री इकट्ठा किया जाता है, इनवॉलेंट्री फॉर्म में इसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है. अब हम देखें यहां पर कि एलिमेंट्री कैनाल के इन डिफरेंट पोर्शन के अंदर क्या स्पेशलिटी है. सबसे पहले मैं बात करूं माउथ और बकल कैविटी. माउथ और बकल कैविटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है टीथ एंड टंग. टीथ एंड टंग मिक्सिंग करने में जनरली यूटिलाइज करती हैं, और टीथ बेसिकली देखा जाए तो मिक्सिंग करने के साथ साथ चर्निंग करने में काम आ रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन करने में काम आ रहा है. एक तरह से हम कह सकते हैं टीथ एंड टंग बोथ आर इन्वॉल्व इन अ मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कि फूड के बड़े पोर्शन को छोटे पोर्शन में डिवाइड करने का काम करेगा. बकल कैविटी का लास्ट पोर्शन फेरिंग्स कहलाता है. इस फेरिंग्स के अंदर इसोफेगस का स्टार्टिंग एंड आके खुलता है, जिसे गैलेट कहते हैं. इसोफेगस में किसी भी तरह की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहां पर मौजूद नहीं है. स्टोमक इज अ वेरी वाइडेस्ट पार्ट. स्टोमक के अंदर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सब इससे पहले अपन बात करें माउथ के अंदर क्या मौजूद है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होती है जो सलाइवा रिलीज करती है. यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सलाइवा के अंदर इंपोर्टेंट रूप से देखा जाए तो तीन चीजें इंपोर्टेंट है यहां पर. सबसे पहले हम बात करें वाटर प्लस मिनरल्स, अल्फा एमाइलेज सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर लाइसोजाइम. वाटर और मिनरल्स यहां के मीडियम को अल्कलाइन करके रखेंगे, जिससे फूड का डाइजेशन हो सके. अल्फा एमाइलेज डाइजेशन करता है किसका, स्टार्च का. और लाइसोजोम किसको किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया एंड वायरस को. वाटर और मिनरल्स यहां पर पीएच कितना बना के रखते हैं, 6.8, यानी कि अल्फा एमाइलेज के डाइजेशन करने के लिए, स्टार्च के डाइजेशन के लिए विच पीएच इज रिक्वायर्स, या पीएच 6.8. ठीक है. फेरिंग्स में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है. अब आ जाए स्टोमक में. स्टोमक की बात करें तो स्टोमक के अंदर यहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, म्यूकस का बहुत लार्ज क्वांटिटी, सेकंड नंबर पेप्सिन एंजाइम, एंड थर्ड नंबर इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 1:2:2. इस HCl के प्रेजेंस की वजह से यहां पर जो बाय द वे यदि एंटर हो चुके हैं बैक्टीरिया और वायरस फंगस, तो उनको किल किया जाएगा, फूड को सड़ने से बचाया जाएगा, और पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लिया जाएगा. बावजूद इसके HCl के बैड इंपैक्ट से प्रिवेंट करने का काम, स्टोमक की जो डेलिकेटेड वॉल्स को प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, म्यूकस. म्यूकस की बहुत थिक लेयर होने की वजह से स्टोमक की इनर वॉल HCl के बैड इंपैक्ट से प्रिवेंटेड रहती है. नेक्स्ट पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है. पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जो जूस रिलीज हो रहा है उसके अंदर स्पेशली क्या है, उसके अंदर एक एंजाइम है ट्रिप्सिन. और ये ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करवाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवा रहा है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करवा रहा है. यहां पर ये प्रोटीन का डाइजेशन पीएच 1:2 यानी एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और बेसिकली किसके अंदर हो रहा है, स्टोमक में. या ट्रिप्सिन की वजह से जो डाइजेशन हो रहा है वो अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, और ये अल्कलाइन मीडियम बनाएगा कौन, बाइल जूस. ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर, यहां पर लीवर के अंदर एक कलेक्टिंग स्पेस है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, और इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद एक इंडक्शन इफेक्ट के थ्रू जो बाइल जूस आता है, इस डक्ट के थ्रू आता है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं. ये कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट को मिक्स करता है, और यहां पर एक अल्टरनेट फॉर्म में बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है. मींस
बैक्टेरिक जूस के अंदर जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बाइल जूस के अंदर मौजूद जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से एक्टिवेट होकर के कौन सा पीएच यहां पर रिक्वायर्ड होता है, एल्कलाइन। सो एल्कलाइन पीएच यहां पर जो रिक्वायर हो रहा है वो लमसम 9 के करीब है, और ये बाइल जूस के जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो बाइल सॉल्ट्स यहां पर उस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद बात करें अपन लीवर से बाइल जूस रिलीज हो रहा है, इस बाइल जूस के अंदर क्या मौजूद है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं। जिस तरह से यहां पर बाइल जूस बेसिकली सिक्रेट हो रहा है वो फूड को इमल्सिफिकेशन करवाने में काम में आ रहा है। फूड को इमल्सिफिकेशन करने का मतलब यह हो गया कि ये जो फैट्स की बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं उनको स्मॉल बॉल्स के अंदर फैट्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम बेसिकली कौन कर रहा है, बाइल सॉल्ट्स कर रहा है। इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू देयर स्मॉल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से तोड़ने की इस पोजिशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ध्यान रख लीजिएगा बाइल जूस में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के अंदर इंटेस्टिनल जूस होता है जिसके अंदर जो रिमेनिंग डाइजेशन करने वाले सारे एंजाइम्स है वो मौजूद होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के इस पोर्शन के अंदर ये पोर्शन है, तो यहाँ पर ग्लैंड के अंदर आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स है वो पैंक्रियाज वाले पोर्शन में, लीवर बाइल जूस को जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट किया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है, मैकेनिज्म ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। किसी भी डाइजेशन का जो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स हैं वो उनके मोनोमर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स फाइनली फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से डाइजेशन प्रोसेस की बात करें, इन माउथ, माउथ में क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम है, अमाइलेज। सो अमाइलेज डाइजेस्ट इनिशियल डाइजेशन, स्टार्ट द इनिशियल डाइजेशन ऑफ द स्टार्च टू कन्वर्टिंग इनटू माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर मीठी शुगर है, स्वीट शुगर है, इसलिए जब भी हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, चबाने के बाद माल्टोज से जो इनिशियल डाइजेशन हो जाता है उसके बाद हमें मीठा लगने लग जाता है। उसके बाद फूड यहां से फेरिंग से यहां से फिसलता हुआ आता है। यहां पर याद कीजिएगा इसोफेगस में किसी तरह की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, बट यहां पर स्पेसिफिकली यहां की जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक वेव मोशन क्रिएट करती है कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, जो वेव मोशन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हुए करती है जिसकी वजह से फिसल फूड है वो यहां से स्लीक करता है। दैट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द मसल्स मसल्स एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसोफेगस मसल्स। स्टोमक की बात करें, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसीएल, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो एसीएल की प्रेजेंस के अंदर, पीएच मीडियम की प्रेजेंस के अंदर, एसिडिक मीडियम की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट होता है जिससे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फॉर्म। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पोर्शन ऐसे हैं, लीवर से बाइल जूस एंड पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में आता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वो होता है बाइल सॉल्ट्स की वजह से जो मौजूद होता है बाइल जूस में, जिसकी वजह से फैट्स की बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल सोल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दिस कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉल सोल्युबल ग्लोब्यूल्स, दिस कन्वर्जन ऑफ फैट दैट कॉल इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन बाइल सॉल्ट्स की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेट्स फ्रॉम पैंक्रियास इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन होता है वह बाइल सॉल्ट्स की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन का लमसम डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स के अंदर। फाइनली इस पोर्शन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। बिकॉज ऑफ दिस इंटेस्टाइनल जूस एंड ऑल एंजाइम्स कंसिस्टेंट इनसाइड द जूस, दे कंडक्ट, दे फिनिश द डाइजेशन फाइनली।
सो द फाइनली कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां तक आते हैं, कार्बन जो कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स है वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस चैप्टर का यदि पोर्शन हम बात करें तो फर्स्ट हुआ डाइजेशन, उसके बाद बात करें अपन डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद सेकेंड पोर्शन हो गया इसका सेकेंड नंबर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नीचे ब्लड डक्ट्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, और इनके और ज्यादा डिवाइजेशन यहां पर होता है, हेयर लाइक बॉर्डर्स होता है, इसकी वजह से इसका एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया 1000 times बढ़ जाता है। तो इनको कहते हैं माइक्रोविलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट कॉल विलाई, और इमेज के नीचे होती है ब्लड कैपिलरीज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाई विलाई और माइक्रोविलाई डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब करती है। डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या आ रहा है, डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, और फैटी एसिड ग्लिसरिक एसिड हो गया, इनका एब्जॉर्प्शन यहां पे किया जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स है, बट इतने ज्यादा ब्रॉड नहीं है, छोटे है, तो वहां पे भी क्या है, विलाइज और माइक्रोविलाइज है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज और माइक्रोविलाइज है। इनके नीचे भी क्या है, इनके नीचे भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज, इनके नीचे भी ब्लड कैपिलरीज है। सो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाटर एंड मिनरल्स हो रहा है। सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस कंडक्टेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन। हियर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन डील्स बाय स्पेसिफिक फिंगर लाइक पोजीशंस दैट कॉल माइक्रोविलाई एंड विलाई, वेयर एब्जॉर्ब फूड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड कैपिलरीज टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पार्ट, जो डाइजेशन हो चुका है, जो फूड यहां पर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किया जा चुका है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर बॉडी की सेल्स तक, जिससे उसकी ग्रोथ की जा सके, उस सेल की उस पर एनर्जी एक्सर्ट की जा सके, एंड जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको रेक्टम में इकट्ठा करते हुए एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करें यहां पर कुछ अनटच पॉइंट्स, अनटच पॉइंट्स के अंदर आ जाता है बेसिकली टीथ एंड टंग। टीथ और टंग दोनों के दोनों आपके माउथ के स्पेसिफिक पार्ट है। मैं टीथ की बात करूंगा, टीथ के अंदर स्पेसिफिक जो मिनरल्स हैं वो हार्डेस्ट पोर्शन है, वो इनामल का बना होता है, बट डीकम्पोजिशन की वजह से, फ्रेगमेंटेशन की वजह से, जो बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है उसकी वजह से फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनिक एसिड जनरेट होते हैं, और उन ऑर्गेनिक एसिड्स के जनरेट होने की वजह से टीथ की जो मिनरल कैपेसिटी है, मिनरल नेचर है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जिसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से टीथ में कैविटीज बनने लग जाती है, टीथ में ऑर्डर क्रिएट होने लग जाती है, टीथ के अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें डेंटल कैरीज कहते हैं। सो टीथ की इन कैविटीज और इन प्रॉब्लम से यदि हमें बचना है तो बेसिकली हमें बिफोर गोइंग टू बेड इन एक दिन के अंदर 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, टोटली एक मुंह को क्लीन करना चाहिए, ब्रशिंग और पेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बैक्टीरियल पीएच डाउन हो चुका है वो पेस्ट की वजह से अल्कलाइन मीडियम में आ जाएगा। तो आपके माउथ के लिए कौन सा मीडियम अच्छा है, एल्कलाइन मीडियम, और वो एल्कलाइन मीडियम कैसे बनाया जा सकता है, जब आप माउथ को अच्छे से रिंग करेंगे, धोएंगे, उसको ब्रश करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से उस पेस्ट का जो बेसिक नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर होता है। सो फूड को ना छोड़े अपने माउथ में, और माउथ में छोड़ने से जो ऑर्गेनिक एसिड जनरेट हो जाते हैं वो आपके टीथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरी बात करें हम टंग की, टंग डाइजेशन के अंदर है, वो मैकेनिकल डाइजेशन करवाने में काम में आ रहा है, एक मशीन की तरह काम में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, 2 पोर्शन में करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स।